हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट बुक के सेवन चैप्टर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी। इस क्वेश्चन में क्या बोला, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेस मार्क्स फॉर ए स्टूडेंट यूजिंग स्विच। एक स्टूडेंट की ग्रेस मार्क्स की आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। द यूजर शुड एंटर द क्लास ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ही हैज फेल्ड इन द रिजल्ट यूज द फॉलोइंग। देखिए इसके अंदर क्या करें, इनको एक तो स्टूडेंट की क्लास क्या है ये हमें एंट्री करवानी है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, और स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, फेल्ड सब्जेक्ट नंबर, ये दो चीजें तो हमें एंट्री करवानी है। अब उसके बेस के ऊपर जो लॉजिक लगाना है, इफ द स्टूडेंट गेट फर्स्ट क्लास एंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ही फेल्ड इन इज ग्रेटर देन थ्री, अगर स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, गेट फर्स्ट क्लास और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनके अंदर फेल हुआ वो तीन है, तो उसको देन ही डज नॉट गेट एनी ग्रेस, अदरवाइज द ग्रेस इज ऑफ फाइव मार्क्स की है। सेकंड वाली कोई और चॉइस होगी तो देखिए हमें इसको यूज करना है स्विच के, स्विच और स्विच केस के थ्रू। तो स्विच केस के अंदर तो सबसे पहले तो स्टूडेंट की जो क्लास आएगी वो ले ली हमने, स्विच के अंदर क्या चला जाएगा, स्टूडेंट क्लास, क्लास कौन कौन सी है, क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, और केस देखिए स्टूडेंट या तो फर्स्ट क्लास में पास होगा, सेकंड क्लास में पास होगा, थर्ड क्लास के अंदर पास होगा। अब फर्स्ट क्लास में पास होने के बाद में नंबर ऑफ सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, सेकंड क्लास में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्लास थर्ड से मतलब थर्ड ग्रेड से पास होने पे भी कुछ हो सकता है। अब इसके अंदर हमें ये चेक करना है इसके बाद में कि अगर चॉइस में अंदर फर्स्ट क्लास आ गया, फर्स्ट क्लास आया तो इसके अंदर हमें कंडीशन में क्या लेना है, यहाँ पे यूज करना हमें इफ का यूज करना पड़ेगा। इफ सब्जेक्ट जो है इज ग्रेटर देन थ्री है तो उसको ग्रेस नहीं मिली है, अदरवाइज उसको पांच नंबर की ग्रेस मिली है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट की वैल्यू लेस देन थ्री है, फेल्ड सब्जेक्ट इन इज ग्रेटर देन थ्री, तीन से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया तो फेल हो गया, अदर यहां पे हो जाएगा प्रिंट एफ के अंदर फाइव मार्क्स ग्रेस। ठीक है, ऐसे हम प्रोग्राम बनाएंगे इसका, और एल्स के अंदर क्या चला जाएगा, नो ग्रेस। तो इसके अंदर हमने यूज क्या करा है, इफ एल्स का यूज करा है और स्विच केस का यूज करा है। चलिए अब हम प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। अब तो हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे, तो एक तो सब्जेक्ट की एंट्री लेंगे कि टोटल कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है और कि बच्चा कौन से क्लास में पास हुआ है, फर्स्ट क्लास से पास हुआ है, सेकंड क्लास से पास हुआ है। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, चैप्टर सेवन का डी है ये, hash include stdio.h hash include conio.h void main clrscr getch variables क्या है हमारे पास में, failed subject। देखिए हम रूल तोड़ देते हैं कि कैरेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम छोटा सा कर देते हैं, एफ सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है और किस क्लास में पास हुआ है, पास क्लास। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें इनपुट में लेनी पड़ेगी, प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट पास क्लास कि किस क्लास के अंदर पास हुआ है, वैल्यू हम स्कैन कराएंगे किससे, कीबोर्ड के थ्रू, ये आ गया परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि इंटीजर है इसलिए हमने डी ले लिया है, ये आया यहाँ पे पास
क्लास गलती क्या रह गई है, एन परसेंट उन्हें नहीं लगाया, नहीं लगा तो गार्बेज वैल्यू लेते हैं, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट वल्नरेबल आता है। प्रिंट एफ, इसके बाद में हमें क्या लेना है कि कितने सब्जेक्ट में फेल हुआ है, एंटर नंबर ऑफ फेल्ड सब्जेक्ट, ठीक है, कितने सब्जेक्ट के अंदर ये फेल हुआ है, ये यहाँ भी ले लिया हमने और ये यहाँ भी ले लिया ताकि प्रोग्राम थोड़ा दिखे सुंदर सुंदर। ये स्कैन अप करवा दिया हमने, परसेंट डी एफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास में चॉइस के अंदर क्या होगा, स्विच, स्विच के अंदर चॉइस क्या डालेंगे हम, पास क्लास, क्योंकि हमारी कंडीशन पास क्लास के बेस के ऊपर ही है। पास क्लास में उसमें तीन कंडीशन है, केस वन के बाद में ब्रेक, केस टू ब्रेक, केस थ्री ब्रेक। अगर तीनों नहीं आया तो उसके बाद हम डिफॉल्ट में क्या डालेंगे, इसके बाद में नहीं लगाने की जरूरत है, प्रिंट एफ क्लास नॉट आइडेंटिफाई, कि भाई किस क्लास से पास हो हमें नहीं पता है, कोई लॉजिक ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे। अब यहां पे देखिए जो लॉजिक था ना वो लिखेंगे यहां पे हम, इफ सब्जेक्ट कितने हैं, इफ सब्जेक्ट इज लेस देन थ्री है तो क्या आया, पांच मार्क्स की ग्रेस है, फाइव मार्क्स ग्रेस पर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेस देन थ्री नहीं है तो क्या होगा, एल्स प्रिंट एफ नो ग्रेस, केस टू मतलब सेकंड क्लास से पास होता है तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कंडीशन में हमारे पास में ये आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट जिसमें फेल हुआ ग्रेटर देन टू है, इफ एफ सब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू टू है, ये भी हमारा ग्रेट लेस देन इक्वल टू टू है, थ्री है क्योंकि ग्रेटर देन के ऊपर बात कर रहा है, लेस देन इक्वल टू टू है तो कितनी आ रही है, प्रिंट एफ फोर मार्क्स ग्रेस इन पर सब्जेक्ट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर दिया, एल्स प्रिंट एफ नो ग्रेस, थर्ड ग्रेस से पास हो रहा है तो क्या आ रहा है हमारे पास, इफ अगर जो सब्जेक्ट है ग्रेटर देन वन है, मतलब सब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू वन है, तो प्रिंट एफ में हमने दे दिया है, प्रिंट एफ फाइव मार्क्स की ग्रेस होगी, ग्रेस मार्क्स हो गए पांच, ग्रेस मार्क्स इसके अंदर ये सब्जेक्ट नहीं है, ग्रेस मार्क्स इज फाइव, सिर्फ टर्मिनेट कर दिया, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था, जो हमें बोला गया है हम सीधा सीधा वो प्रिंट कर रहे हैं, यहां पे आ गया ये नो ग्रेस, फाइल सेव करा, एंटर करा, इसको हमने रन करा के चेक कर लिया, एंटर स्टूडेंट पास क्लास, अगर फर्स्ट क्लास में पास हुआ है तो
नंबर ऑफ सब्जेक्ट फेल कितने, मान लीजिए 3 डाल दिया अपने, तो क्या है नो ग्रेस। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 के ऊपर ग्रेस थी उसको। अब सब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल टू 3 है तब तो 5 मार्क्स की ग्रेस थी ना। ओके, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि अब सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ पे एम परसेंट नहीं लगाया, हमने गलती करी, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस स्टेटमेंट के बाद में चेक नहीं करा। ये देखिए फर्स्ट क्लास में गया और 3 सब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे डाले हैं तो 5 मार्क ग्रेस पर सब्जेक्ट। दूसरा हमने कर दिया एंटर, ये फर्स्ट क्लास में डाला और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 4, तो मतलब कि नो ग्रेस, हमारा प्रोग्राम एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। सेकंड में डाल दिया, यहाँ डाल दिया मैं 3, तो नो ग्रेस। सेकंड डाला, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1, तो 4 मार्क्स की ग्रेस पर सब्जेक्ट मिल रही है। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, चैप्टर 7 का डी।